नमस्ते मित्रों, आज मैं फिर से एक बार आज के कार्यक्रम में एक नया ट्रेडिशनल आर्ट लेके आई हूँ। मैं सूरत से डॉक्टर बीचन लश्करी बोल रही हूँ। और जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया अपने बारे में, मुझे ट्रेडिशनल आर्ट और ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिगार्ड है और मैं उसको ज्यादातर सीखने और बनाने की कोशिश करती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को मिलके उनके बारे में, उनके कार्य के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। तो इसी श्रेणी में हम अब आज लेके आए हैं फॉर पेंटिंग आर्टिस्ट। हमारे मुखुटे ग्रुप के जो कार्यक्रम है उसके अंदर मुखुटे की अलग अलग शाखाएं हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के कार्य को करके अपने कार्य, अपने जो चित्रकार मित्र है उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं जो शुरू करती हूँ वो ज्यादा अपने मेवाड़ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे राजस्थान को कुदरत ने दो हिस्सों में बांट दिया है, एक मेवाड़ और एक मारवाड़। मेवाड़ जो है जिसमें ज्यादा बारिश होती है, मेहवाड़ मतलब कि जहाँ पे ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां पे थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा हरा है, हरियाली है। और ज्यादातर इतिहास जो लिखा हुआ है वो मेवाड़ में लिखा हुआ है। और दूसरा पोर्शन है मारवाड़, जो मरुस्थल पे से उसका नाम पड़ा हुआ है। मरुस्थल का मतलब है रेगिस्तान। तो जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो मारवाड़ में पड़ता है। और मेवाड़ की जो धरती है उसके ऊपर बहुत सारी कहानियां, किस्से और पराक्रम की गाथाएं लिखी गई है। जैसे मेवाड़ की धरती के साथ शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कई किस्से और कहानियां जुड़ी हुई है। तो वहां महाराणा प्रताप के शौर्य की कहानी और पन्ना दाई के बलिदान की, मीराबाई की कृष्ण भक्ति की और रानी पद्मिनी और रानी हदा की बलिदान की कहानी, ये मेवाड़ के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। मेवाड़ का नाम लेते ही ये सारी इतिहास और ये सारे शौर्य के किस्से हमारे नजर के सामने आ जाते हैं। और अभी भी ये मिट्टी के अंदर देश प्रेम की खुशबू जीवित है और देश प्रेम को मेवाड़ के साथ जोड़ा जाता है। तो ये जो फड़ पेंटिंग है, फड़ पेंटिंग का मतलब है तो होता है कॉटन के कपड़े के ऊपर एक सुंदर प्रकार की चित्रकारी करी, जो कि एक ट्रेडिशनल स्टाइल में की जाती है, जिसमें कलर रंगों का जो उपयोग होता है और जो लाइंस वगैरह का उपयोग होता है वो बहुत ही परंपरागत शैली से होता है। ये एक अद्भुत चित्रकला है जो कि हमारे देश में 1000 साल से भी ज्यादा प्रचलित है। और ज्यादातर वहाँ के जो राजस्थान के लोक देवता है पाबू जी और देव नारायण, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, तो उनकी कहानियों के ऊपर आधारित होता है, जिसके अंदर घोड़े, हाथी, वहां के पेड़ पौधे अलग शैली में बना के चित्रित किए जाते हैं फड़ के ऊपर। और ये फड़ भोपा और भोपी जाति के लोग जो होते हैं वो एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं और उनके ऊपर लिखी जो चित्रण किए गए हैं उसको गाना गा के और नृत्य करके पूरी कहानी लोगों को बताते हैं। ये एक मनोरंजन का तरीका भी है और इसी प्रकार से देवनारायण जी और पाबू जी की कहानी का प्रचार भी होता है और लोगों को थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव है जब रात के अंधेरे में दिया लेके एक भोपा ये कहानी बताता है गाना गा के, और उसके साथ उनकी पत्नी जो कि भोपी के नाम से जानी जाती है वो नृत्य करती है, और यही नृत्य और संगीत के साथ ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। हर एक जगह पे फड़ के अंदर जहां पे भी जिसके बारे में वो कहानी सुना रहे हैं वहां पे एक दिया रखते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में दिखता नहीं है तो दिया रखते हैं, और ये दिया के उजाले में जो पोर्शन दिखाई देता है उसके बारे में वो कहानी गाना गा के रावण हत्था नाम के जो संगीत के प्रसाधन है उसके ऊपर वो सुनाई देता है। तो ये बहुत ही आह्लादक अनुभव है राजस्थान के लिए। और ये फड़ जो होता है वो कॉटन कपड़े पे बनता है, ज्यादातर कॉटन कपड़े को प्रोसेस करके उसको हार्ड स्टार्च के माध्यम से उसको हार्ड करके वो
वो मैदे का अलग प्रकार का स्टार्च होता है जिसके माध्यम से उसको कड़क किया जाता है, और फिर उसके ऊपर ऐसे पत्थर लेके उसको रब करके थोड़ा सा स्मूथ करके उसके ऊपर ब्रशेस से पेंटिंग होता है, बहुत ही महीन ब्रश से उसका काम होता है। तो ये इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम अभिषेक जोशी जी से बात करते हैं। अभिषेक जोशी जी के बारे में मैं कितना भी बताऊं वो कम है, क्योंकि फड़ पेंटिंग में इन्होंने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि और इतनी ज्यादा विशेष अलग अलग प्रकार के विषयों में काम किया हुआ है कि गिनती भी कम पड़ती है। उन्होंने जैसे बाबूजी के दरबार के और जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल आर्ट पेंटिंग है वो तो बनाया है, उसके अलावा मेवाड़ का इतिहास जो कि बहुत ही बड़ी फड़ है, जो कि उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर उनको भी स्थान दिया जाएगा, उसकी प्रोसेस अभी चालू है। तो ये एक है। फिर बेटी बचाओ, इसके ऊपर इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है। और कंटेम्प्रेरी में कोरोना की जो पेंटिंग है, कोरोना के जो रोग हुआ और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो उन्होंने पेंटिंग बनाई, तो उसके अंदर उनको बहुत प्रसिद्धि भी मिली और उनको कोई एक चित्र की जो कंपटीशन थी उसके अंदर उनको उनका स्थान अग्रिम मिला। तो हम सारी बातें उनके मुंह से, उनके स्वमुख से सुनेंगे। और नमस्ते अभिषेक जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, और आपसे रूबरू होके हमको बहुत खुशी हुई। आपके पीछे का पेंटिंग भी बहुत ही खूबसूरत है। नमस्ते, आप अपने बारे में पहले प्लीज थोड़ा बताइए। नमस्ते मैम, मैं सबसे नमस्ते। पहले तो मुखौटे आर्टिस्ट ग्रुप का आभारी हूँ जो कि ऐसे प्रयास आप कर रहे हैं भारतीय कलाओं को एक मंच देने के लिए और कलाकारों को जो सभी के सामने उनका काम और उस काम को किस तरह से करते हैं, उस काम की बारीकियां हम बता सकें, उसके लिए आप किस तरह के प्रोग्राम करते हैं, इसके लिए मैं मुखर्जी आर्टिस्ट ग्रुप का आभारी हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक जोशी सापुरा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं हमारी फैमिली में जो है लगभग 10वीं शताब्दी से फड़ चित्रकारी का कार्य होता आ रहा और हमारी फैमिली द्वारा ही इस कार्य को शुरू किया गया है। तो बचपन में जब परिवार में सबको यही काम करते देखते थे, पिताजी को, ताऊ जी को, अंकल जी को, तो बचपन से ही जिज्ञासा रही कि मैं भी एक कलाकार बनूं। और जैसी चित्रकारी हमारे पिताजी करते हैं और परिवार के और मेम्बर जो करते हैं, वैसी चित्रकारी मैं भी करूं। रंगों के प्रति एक लगाव और इस कला के प्रति जो लगाव है वो बचपन से ही हो गया था और आज लगभग 3130 साल मेरे को ये काम करते हो गया है। तो हर चित्रकारी का अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये कि फड़ एक ऐसी चित्रकारी है जिसको पढ़ा जा सके, मीन्स इसमें चोरी होती है ओल पेंटिंग में और पुराने टाइम में भगवान देव नारायण और बाबू जी ये लोग देवता जो कि राजस्थान के हैं, उनकी जीवनी, उनकी कथा एक बड़े कैनवास के ऊपर जो कि कैनवास हम हाथ से बनाते थे और अभी भी जो है जो फड़ पेंटिंग होती है वो हाथ से बने हुए कैनवास पर नेचुरल पत्थर के रंग और नेचुरल कलर इसमें प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि ये पेंटिंग बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल रहे। चलती है। जी तो सर, आप हमें ये बताइए, आप इसके कैनवास को किस तरह से बनाते हैं और मैं पुराने ये कितना हाँ समय लेता है ये कैनवास बनाना? हाँ पुराने समय में जो कैनवास बनता था, पुराने समय में मैदा नहीं होती थी तो गेहूं जो होते थे उनको मटके में भिगोए रखते थे और हर 1-2 दिन में उनको मैश करते, उनको हाथों अच्छा से रगड़ते थे मटके के अंदर ही, फिर उसका जो गेहूं का जो पानी है उसके अंदर
कलप बनाने के लिए जो तत्व होते हैं और वो ऊपर आ जाता था, जो वो होते थे जिसको अपन बोल सकते कि गेहूं का आटे जैसा जो पदार्थ होता था वो नीचे रह जाता था, और केवल पानी के अंदर उसका चिपक वाला जो पदार्थ होता था वो उसके अंदर रहता था। तो उस पानी को हम गर्म करके और उसका कलप बना देते थे। पुराने समय में ये प्रोसेस था, अभी हम मैदा का कलप बनाते हैं। और इसके लिए पुराने समय में जो हैंडलूम हुआ करते थे उसके ऊपर बनने वाली रेची, जो कि दो तार और दो तार का जो बनावट होती थी उसके अंदर, दो बाई दो की बनावट होती थी, उसके ऊपर वो कलप लगा के और छत के ऊपर सुखा देते थे धूप के अंदर। अच्छा। पूरा खोल के धूप में सुखाते थे उसको, जब पूरा वो सूख जाता था, कहीं भी कलप ढीला नहीं रहता था, उसके बाद हम उसको हटा लेते थे और हकीक पत्थर का एक बना हुआ मोहरा जिसको बोलते हैं घुटाई करने के लिए, जिसके ऊपर पुराने टाइम में जो आटा पीसने की चक्की होती थी, हाथ से आटा पीसने की, उसके पार्ट होते थे, उन पार्ट को तीन पार्ट लगा के ऐसा एक हमारे घर में मोहरा बनाया जाता है जिसमें तीनों पार्टों का सारा वजन उस हकीक पत्थर के ऊपर आता था और उससे हम घुटाई करते थे। तो इसमें इस पेंटिंग में जो भी चीजें काम में ली जाती है वो ऐसी काम में ली जाती है जिससे कि ये पेंटिंग ज्यादा लंबे समय तक चली। इसमें हाथ से बना हुआ जो कैनवास होता था और उसकी घुटाई होती थी उसके लिए, बाद में जो कलर हम काम में लेते थे पत्थर के, जो कलर काम में लेते थे वो भी ऐसे होते थे कि वो ज्यादा समय तक चले। इसके पीछे एक ही रीजन होता था कि पर्ड पेंटिंग, जैसा कि आपने भी बताया कि पर्ड पेंटिंग को भोपा और उनकी पत्नी भोपी, जो कि रात के समय पे उस पेंटिंग को खोल के और पूरे गांव वाले वहां एकत्रित होते थे और उस फड़ का वाचन होता था, उस फड़ को पढ़ा जाता था। तो उस वो फड़ जो कि हम बनाते के भोपा को देते हैं, उस फड़ को वो मतलब उस जमाने में लगभग हर रात को वाचन होता था। तो इस पेंटिंग को इतनी जो है ड्यूरेबल रहे इसके लिए हम ऐसे कलर और ऐसे कपड़े का और इस टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिससे कि वो रोज रात को पेंटिंग खुलती थी और सुबह वापस वाचन होने के बाद में पैक होती थी और बहुत रफ यूज में ली जाती थी। इसके बावजूद भी वो पेंटिंग लगभग 100-200 साल चलती थी भोपा के पास। अच्छा। ओ जी। अच्छा। और ये जो रंग बनते हैं इसके, तो रंग दो या तीन या चार ही रंग मेन इस्तेमाल होते हैं, तो हाँ, क्या ये रंग अलग तरीके से बनते हैं? हाँ जी। इसमें क्या मैम, जो हम जो पत्थर के जो कलर लेके आते हैं यहाँ से, वो पीला कलर आता है, लाल कलर आता है और ब्लू कलर, जो कि रोबिन जो फूल होते हैं उनके अर्क होता है, उनको जिस तरीके से नमक जमाया जाता है पानी से, उस तरीके से रोबिन फूलों का जो अर्क होता है उसको डली का रूप देखे और वो नील बनती थी। तो ये तीन कलर होते हैं, तीन कलर से पीले में अगर हम ब्लू कलर मिलाते तो ग्रीन कलर बन जाता है, और पीले में अगर लाल कलर मिलाते हैं तो फेस का कलर बन जाता है। हाँ, और ब्लैक कलर बनाने के लिए हम तिल्ली के तेल का जो दीपक है उसको काजल जला के, हाँ, उसका काजल हम बनाते हैं, और उस काजल को खेरी गूंद, जो कि मारवाड़ के अंदर खेर का पेड़ होता है, उससे निकलने वाले गोंद होता है जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा चिकना होता है और बहुत ही ज्यादा मतलब ड्यूरेबल रहता है, वो हम उस गूंद के अंदर वो कलर मिला के फिर हम कलर अप्लाई करते हैं कैनवास पे। अरेबिक गम वही सी चीज हुई या कुछ अलग? अरेबिक गम थोड़ा अलग होता है और ये इसको खेरी गोंद बोलते हैं। अरेबिक गम आजकल मार्केट में आता, वो अरेबिक गम शायद इसमें आता था, वो अपने तंजोर पेंटिंग में आता है। अच्छा। तो ये अलग है। गोंद होता है। हाँ, ये खेरी गोंद अलग होता है, ये भी हल्का सा ब्राउनिश शेड होता है इसका। अच्छा।
और ये जैसे आप कलर बनाते हो, तो अब मैंने काफी वीडियोस में देखा है कि आप उंगली से गोटते हो कलर को, कलर गोटने के लिए आप और कोई चीज हाँ, इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके क्या वजह है? इसका रीजन ये मैम कि जैसे हम कलर बनाते हैं तो जो मसाला बनाने वाली जो खरड़ आती है पत्थर की, उसके अंदर तो हम कलर को पीसते हैं, लेकिन जी जैसे जैसे हमें जरूरत होती कलर की, उतना कलर हम निकाल के जो मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसको हम अच्छा करवा भी बोलते हैं, अच्छा करवा के अंदर उस कलर को डालते हैं और उसमें घोल डाल के काम में लेते हैं। जब भी हम उस कलर को काम में लेते हैं तो हम उसको उंगली से करवे की जो सतह होती है उसके ऊपर रगड़ते हैं, जिससे कि कलर के जितने भी दाने हैं वो दाने खत्म हो जाए और कलर एक जैसा पेंटिंग पे लगे। इसलिए हम कलर लगे। को बार बार उंगली से घुमाते हैं। अच्छा, इसको बना के स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको हर बार जब भी पेंटिंग बनाते हैं तभी बनाया जाता है? हाँ नहीं, अपने को जैसे करवे के अंदर जब हम कलर डालते हैं वो पेंटिंग में यूज करते हैं तभी डालते हैं, और उसमें उतना ही कलर डालते हैं जितना हमको जरूरत होती है, और उसको उतना ही ही मिक्स उंगली से, करते हो आप, क्योंकि हाँ बाकी स्टोरेज पाउडर के फॉर्म में आप अपने घर पे रखते हो नहीं, उनके पाउडर नहीं, पाउडर या? पाउडर के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीसने के बाद में जैसे होता तो वो पत्थर ही, पीसने के बाद में वो बिल्कुल जिसको अपन कहते थे कि एक पेस्ट जैसा हो जाता है, अच्छा, उसको धूप में सुखा लेते हैं, फिर जितनी जरूरत होती है उसको तोड़ के और हम करवे में पानी से गला लेते हैं उसको, क्योंकि पत्थर का जो पीसने के बाद में वो पेस्ट बन जाता है, तो सूखने के बाद में वापिस हम जब उसको कलर को यूज में लेते हैं तो बोन के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा ये तो हुई अपने कलर और कैनवास की बात है। अच्छा, इसके अंदर जी जो कहानी होती है वो देव नारायण जी और बाबू जी की होती है, थोड़ा संक्षिप्त में इनके बारे में आप बताइए कि ये क्यों पूजे जाते हैं आपके मेवाड़ में, और इनके बारे में आप हमें जो भी बताना चाहे वो बताइए, क्योंकि ये कहानी जो फड़ के ऊपर होती है, तो अगर हम ये कहानी नहीं सुनेंगे तो फड़ एक और चित्र की तरह ही दिखेगा, उसकी विशिष्टता हमें समझ नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा बताऊं कि जैसे लोक देवता जो है उनको लोक देवता क्यों कहते हैं। लोक देवता उनको कहा जाता है जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए इतने काम किए कि लोगों ने उनको देवता मानना शुरू कर दिया। तो भगवान देव जी नारायण और भगवान बाबू जी जो कि उनके कालखंड में जब वो थे, तब उन्होंने ऐसे कर्म किए, ऐसे काम किए कि वो आज तक लोगों के लिए पूजनीय है। मैं बाबू जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि बाबू जी के जो पिताजी हैं धानलाल जी के हैं, उनके पिताजी का नाम, और उनका शादीशुदा थे लेकिन उनका इस एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं तो उनको एक जो कि अप्सरा है, और धरती पर किसी श्राप को काटने के लिए वो धरती पर आते हैं, उनसे उनका प्रेम होता है और वो गंधर्व विवाह उनसे करते हैं। उनका पुत्र जो होते हैं वो बाबू जी होते हैं, तो ऐसी वो ड्रम्स रखते हैं धानल जी के, बाबू जी के पिताजी जो है उनके सामने शादी करते हैं कि आप मेरे से कोई सवाल नहीं करोगे, मैं चाहे जो करूं, और आप मेरे जो है रूम में बिना अनुमति के आप नहीं आएंगे। तो एक बार वो थे अप्सरा, तो बाबू जी जब छोटे थे तो उनको वो शेरनी का रूप धारण करके बाबू जी को दूध पिला रहे थे, क्योंकि तो हमारी फड़ में भी वो सीन हम बनाते हैं अच्छा कि बाबू जी को अपनी माँ शेरनी के रूप में दूध पिला रहे होते। तो अच्छा बाबू जी के जो पिताजी वो उनके जो मेडी है उनके रूम में बिना पूछे चले जाते हैं, वो ये दृश्य देख लेते हैं। तब
जो है वो उनके माताजी जो है पार्वती के माताजी वो श्राप से मुक्त होकर वो अपने लोक में वापस चले जाते हैं। अच्छा फिर बाबूजी का बचपन बिना माँ के ही निकलता है, लेकिन बाबूजी की जो मदर होते हैं वो तो फड़ पेंटिंग जो होते हैं, तो ये दो लोक नायक जो है या फिर लोक देवता है उनके ऊपर बने जाते हैं। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और जो हमारे जो गेस्ट आर्टिस्ट है उन्होंने मेवाड़ के इतिहास के बारे में भी बहुत सुंदर कार्य किए हुए हैं, हाँ जो जी हम आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी तो बताए। फिर बाबू जी का जो बचपन है वो बिना उनकी माता जी के गुजर निकलता है, और उनकी जो माता जी है वो एक गोल्ड घोड़ी के रूप में जन्म लेते हैं, जो कि काली घोड़ी होते हैं। क्या आगे चल के बाबूजी जो है वो काली घोड़ी पर ही आपको दिखाई देते हैं। अच्छा बाबूजी का जो जन्म है वो गौ रक्षा के लिए हुआ है। काली घोड़ी जिनसे बाबूजी लेते हैं, उनको काली घोड़ी जब लेते हैं तो उनको एक वचन देती है कि उनकी गायों की जो रक्षा है वो बाबूजी हमेशा करने के लिए तत्पर रहेंगे, और आप जैसे भी हैं जब भी मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ आप मेरे को इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। तो जब शादी हो रही होती बाबूजी की तब तो वो तीन फेरे लिए होते हैं और उनको गौ रक्षा के लिए जाना होता है। तो वो तीन फेरे के बाद में बाकी के 3.5 फेरे लेके आधे फेरे नहीं ही वो नेटवर्क में गौ थोड़ा रक्षा के लिए प्रॉब्लम आ रहा चले है, जाते हैं। प्लीज बने रहिए। जी तो इसमें ये बताया गया है कि बाबू जी ने अपनी जो शादी है वो भी छोड़कर अपने दायित्व के लिए अपने वचन के लिए शादी को भी बीच में अधूरा छोड़कर वो चले गए। ये उनकी एक जीवन है। तो भगवान देवनारायण का भी यही है कि तो जैसे कि हम भगवान बता रहे देवनारायण थे के अभिषेक जी ने अपने जैसे उदयपुर के सिटी पैलेस में अभी इनका एक पेंटिंग लगा हुआ है जिसमें मेवाड़ का पूरा जी जी अभिषेक जी, हाँ। तो पुराने टाइम में जो लोक देवताओं पर बड़ी चित्रकारी होती आई है वो आगे चलकर आज के समय में जो समय की डिमांड है और मार्केट में जो हमसे जिस तरह की कहानियों पर जो हमारे ग्राहक मांगते हैं उन कहानियों को भी हम बनाने लगे हैं। और हाल ही में मैंने मेवाड़ का इतिहास बनाया है, क्योंकि 1500 वर्षों का इतिहास मेवाड़ का एक 56 फीट लंबे के हाथ से बने हुए कैनवास के पत्थर के रंगों से बनाया है। उसके लिए लगभग 18 इतिहासकार जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास पर काम किया है
उनकी लगभग 38 किताबें जो कि इतिहास व्यवहार का इतिहास उनको पढ़ के और उनकी जो कही हुई किताबों के अंदर जो बातें हैं उनको एक इतिहासकार से दूसरे इतिहासकार की बातों को तथ्यात्मक रूप से पहली करके और जो बातें जिनके अंदर सत्यता है उन बातों को उन घटनाओं को उस पेंटिंग में जगह दी गई है। उस पेंटिंग के लिए लिम्का बुक में भी रिकॉर्ड हुआ है, अमेरिका बुक में रिकॉर्ड हुआ, उसके साथ ही 13 और अन्य रिकॉर्ड बुक्स हैं जिनमें उस पेंटिंग को जगह मिली है। और अभी हाल ही में पुराने जो लॉकडाउन हुआ था 2020 में, उस टाइम पे कोरोना महामारी पर हमारे देश ने किस तरीके से एक उस युद्ध को लड़ा है और किस तरीके से एक आम जन में और किस तरीके से पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स सफाई कर्मी और हमारा जो है सरकार किस तरीके से हमने इस कोरोना जो है महामारी से हमने जीत हासिल करी, वो सारी घटनाओं को उस समय के हिसाब से जो उस समय हुई थी उनको एक पेंटिंग का रूप देखे और कोरोना के ऊपर भी पेंटिंग बनी जो कि एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता हुई थी रशिया इंडिया कल्चर एक्सचेंज की तरफ से, जिसमें 26 देशों के कलाकारों ने भाग लिया है, उसमें भी उस पेंटिंग को प्रथम स्थान मिला है। साथ ही उस पेंटिंग को जवाहर कला केंद्र द्वारा राजस्थान जयपुर में भी एक प्रतियोगिता हुई थी, उस पेंटिंग को वहां भी राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया, प्रथम उस पेंटिंग को स्थान प्राप्त हुआ। अभिषेक जी, आपके पीछे जो पेंटिंग लगी हुई है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बहुत सुंदर पेंटिंग है जी मैम, ये बाबूजी की कहानी है। और जी ये यहाँ जो मैंने आपको बताया कि जैसे बाबूजी की शादी होती तो यहाँ तोरण मारते हुए का जो है वो सीन बताया गया है। जब दुल्हन के घर पे जाते हैं तो घर में घुसने से पहले तोरण मारते हैं, वो यहाँ एक परंपरा बताई है। यहाँ बराती बताए, ये पेंटिंग अभी अधूरी है। और एक यहाँ पर आप थोड़ा देखिए कि जो कि एक परंपरा है, जब बारात जाती है दुल्हन के घर पे तो एक बाराती बारात से एक जहाँ उनको ठहराया जाता है वहां से एक उस गांव का पेड़ का कोई डाली तोड़ के और पत्नी जो वो समझी है उनके वहां पे जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपके गांव के ही किसी पेड़ की डाली हम लेके आए और बारात आ गई, वो सूचना देने के लिए जाते। तो जो पारंपरिक जितनी भी शैलियां हैं भारत की और फड़ शैली है तो उनमें ज्यादातर में ये दिखाया जाता है कि हमारी परंपराएं दिखाई जाती हैं जी। तो यहाँ पर भी वो परंपराएं ही दिखाई गई है और यहाँ पर ये शादी बताई गई है और यहाँ पर देवल चारण है जिन्होंने की बाबू जी को घोड़ी दी थी काली घोड़ी, वो इनको बुलाने के लिए आते हैं, ये बाबू जी पीछा मुंह करते हैं और ये यहाँ पर बाबू जी को वापस जाते हुए इस जगह पर शादी को छोड़कर जाते हुए बताया गया। अच्छा, पेंटिंग में जो भी काली घोड़ी पे सवार होते हैं वो बाबू जी होते हैं? हाँ, वो बाबू जी है। बाबू जी की फड़ में जो काली घोड़ी पर जो सवार है वो बाबू जी है। और हर पेंटिंग में एक विशेषता ये होती है कि हर एक जो किरदार होता है पात्र होते हैं उनके ड्रेस कोड निश्चित होते हैं, उस ड्रेस कोड से वो पहचाने जाते हैं। अच्छा, जैसे कि बाबूजी के ड्रेस कोड में लाल रंग है। हाँ, बाबूजी का जो बागा है वो लाल है और इनका अंगोछा हाँ। जो है वो ग्रीन है, जूता जो है ग्रीन कलर का जी। अब अगर ग्रीन कलर का जूता ना होके कोई और कलर का जूता होता है तो वो कोई और जो है वो आइडेंटिटी हो जाती
जी अच्छा, और जैसे मैंने सुना हुआ है कि पर्ड पेंटिंग में सीक्वेंस में कलर करते हैं, जैसे सबसे पहले चेहरे के स्किन कलर का कलर जी भरते मैडम हैं, फिर पीला रंग भरते हैं, फिर जैसे हाँ हरा, फिर उसके बाद नीला, लास्ट में ब्लैक, तो ये सीक्वेंस का हाँ क्या वजह है? इसका वैसे तो देखा जाए तो कोई ऐसा रीजन नहीं, लेकिन जो लाइट कलर होते हैं उससे हाँ बढ़ते हुए हम डार्क कलर की तरफ जाते हैं। अच्छा, बराबर तो अगर लाइट कलर की जो फीलिंग, हाँ लाइट कलर की जो फीलिंग है वो थोड़ा आउट अगर फीलिंग हो जाती है एक आर्टिस्ट के तौर पर अगर अपन देखें, तो हमको इतना सावधानी से काम न करते हुए हम थोड़ा जल्दी कर पाते हैं, जी इसलिए हमको, और ज्यादातर जो डार्क कलर है वो ड्रेस के रूप में काम में आते हैं, तो पहले हम ड्रेस जी नहीं भर सकते हैं। पीले राइट कलर हम गहने के लिए काम करते हैं, फेस कलर हम फेस हाँ मुंह के लिए काम लेते हैं, तो मुंह पहले बना के, हाथ वगैरह सब बना के, फिर गहने हम बनाते हैं, तो उसके बाद में ड्रेस का जो कलर है वो हम काम में लेते हैं, जैसे ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है, और उसके बाद में ब्लू है, इसके बाद में ब्लैक कलर से, जो जितने भी हमने कलर लगाए उसको हम ब्लैक कलर से उसकी बंदिश करते हैं, अच्छा, सारा तो जो है फर उसका पेंट आउटलाइन करते जी हैं। अच्छा जी, और जो फर पेंटिंग है उसमें कुछ लिखावट भी होती है, तो क्या लिखावट का फर नहीं पेंटिंग से नहीं के साथ कुछ कनेक्शन है? नहीं आप नहीं कुछ नहीं बता फर रहे थे कि पेंटिंग कुछ में जन्म पत्रिका बनती थी फर पेंटिंग में सबसे पहले। नहीं, फर पेंटिंग में नहीं बनती थी जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका मेरा ये कहने का मतलब है, पुराने समय में राजा महाराजा जो जन्म पत्रिका बनवाते थे जी उसमें चित्रकारी का काम हमारे फैमिली वाले करते थे, अच्छा तो जी वो जो जन्म पत्रिका बनती थी उसमें हम लिखते नहीं थे, वो तो पंडित ही लिखते थे, लेकिन उसमें चित्रकारी का काम जो होता था वो हम करते थे, डिजाइन का और चित्रकारी। लेकिन आप फर पेंटिंग जो आप देखेंगे, फर पेंटिंग में कहीं भी लिखने का चलन नहीं है, क्योंकि फर पेंटिंग का जो है समझाने का काम है वो भोपा करते हैं, वो उसको गाकर सुनाते हैं, और भोपा अच्छा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो अगर हम लिख भी अच्छा देंगे तो भी भोपा उसको पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे, राइट, इसलिए भोपा ठीक है, हमारी पेंटिंग को केवल कलर स्कीम के माध्यम से समझता है। समझते हैं, हाँ बराबर, हाँ, बाकी वो लिखा लिखा हुआ नहीं समझते। पर पेंटिंग में केवल एक जगह हम लिखते हैं, जो कि बाबू जी की जो पंचायत बनती है, दरबार बनता जी है, तो बाबू जी की जो मेन मूर्ति होती है जो बीच में सेंटर में, उस जगह पर हम उस फड़ के बारे में सारी जानकारी लिखते हैं, कि ये फड़ हमसे किसने बनवाई है, और हमने किस तारीख को उनको हाथ में दिया है, और क्या संवत है, और हमने पेंटिंग कितने रुपए में बनाई है, ये सारी अच्छा चीज हम उस पेंटिंग उस जगह एक जगह लिखते हैं, वो पेंटिंग के बारे में जानकारी होती है, कि ये कौन से पेंटर ने बनाई है, कौन से आर्टिस्ट ने बनाई है, और किसने ये पेंटिंग हमसे खरीदी है, और कितने में अच्छा खरीदी, और किस तारीख को हमने इनको दिए, ये जानकारी उसमें, बाकी पेंटिंग में कहीं भी कुछ लिखा नहीं जाता। अच्छा और जो ये बेस कलर है थोड़ा ऑफ व्हाइट जैसा, तो वो बेस कलर आप क्या देते हो उसको, नहीं कलर देते हो पहले नहीं नहीं बेस कपड़े को? कलर जो है वो हम कलर नहीं करते हैं, और इस पर पेंटिंग में ये एक और चीज होती है कि इसमें ग्राउंड में जो कलर नहीं फिल अप किया जाता है, जो कपड़ा होता है वो ऑफ व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि ये सारे हैंडमेड कपड़े होते हैं, हाथ हाँ कर के हैंडलूम वाले, तो ये ब्राइट नहीं होते, ये थोड़े ऑफ व्हाइट जैसे ही होते हैं, ऑफ व्हाइट अच्छा पर एक तो कलर भी आपका थोड़ा अच्छा दिखता है, और जी कलर जल्दी आपका जिसको अपन कहते हैं कि उसकी शाइनिंग जल्दी आ जाती है, बनिस्पत आपके ब्राइटनेस वाले कपड़े, पुराने टाइम में यही कपड़े चलते हैं, फर पेंटिंग इस कपड़े पर ही ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा और आप हमें आपके रंग और कैनवास और आप जो गुटाई करते हो पत्थर दिखा पाएंगे एक बार, हाँ जी और फिर स्केच करके सर एक बार जो उसके कैरेक्टर है वो दिखा दीजिए। जी इधर आगे खड़ा रहो, मैं
अच्छा, ये खरल है आपके जी मैम, इसके ऊपर कुटाई होती है कलर की? हाँ, ये इसमें जो कलर है ये लगभग 5 से 6 महीने हमको इन कलर को तैयार करने में लगते हैं। ओ, और रोज लगभग 1 से 1.5 घंटे इनको कलर को मतलब कराई में बांटना पड़ता है। ये पत्थर होते हैं, अभी भी जैसे आप ये कलर देखेंगे तो ये कलर हम पीसते हैं तो इसके ऊपर जो ये पानी जैसा जो दिख रहा है ये हाँ, हम काम में ले सकते हैं। बाकी अगर नीचे देखे तो हमको कलर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका कण दिखाई देता है, तो कण अच्छा, जब तक दिखाई देता है तब तक कलर पूरी तरह से तैयार नहीं होता। नहीं होता बराबर जी। और जो गम आप बोलते हो अभी नहीं डालते, अभी सिर्फ पानी से ही करते हो कटाई? हाँ, अभी नहीं डाल सकते गम। गम हमको जब कलर पेंटिंग पे अप्लाई करना होता है तब हमको गम डालना है। इसमें अगर गम डालेंगे तो कलर हम जो पीसेंगे वो पीसने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम गम अभी नहीं डाल सकते। अच्छा, आप क्या मुझे वो गम दिखा सकोगे? हाँ मैम, ये देखिए। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है तो कलर चेंज नहीं हो जाता थोड़ा सा? नहीं, ये जैसे कलर है ये गोल्ड है, हम लाल कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, इनमें हम गम और ग्रीन कलर में ये गम डालते हैं। और जो अच्छा, येलो कलर है, फेस कलर है जो कि लाइट कलर है, इनके अंदर हम सफेद मूसली का पानी डालते हैं। अच्छा, मतलब दो दो कलर के लिए दो अलग अलग ट्रीटमेंट होती है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि जैसे पीला कलर है अगर उसमें ये गम डालते हैं तो कलर हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम हल्का पड़ जाएगा ये मतलब। हाँ, उसमें कलर को चिकना हो जाए और कलर पेंटिंग पे ज्यादा टाइम तक चिपका रहे उसके लिए उसमें सफेद मूसली का इस्तेमाल करते हैं। और ये काजल जो है ब्लैक कलर, अच्छा, वो ये है जी। अच्छा अच्छा, इसको भी जो ब्लैक कलर है काजल बनने के बाद में उसको खेरी भून के अंदर मिक्स करके धूप में लगभग 5 से 6 महीने तक इसको पकाते हैं काजल के। अच्छा, फिर ये बिल्कुल लिक्विड ये जो इंक फॉर्म में आ जाता है, इसमें पाउडर वगैरह कुछ नहीं लगता, इंक फॉर्म में आ जाता है। ज्यादातर कलर हम पासन मतलब अच्छा गाढ़ा करने के लिए धूप का इस्तेमाल करते हैं, यही हुआ ना? नहीं, गाढ़ा नहीं है, ये पकाने के लिए, ये हाँ मतलब पक्का करने के लिए। हाँ, और ये इंक फॉर्म में आ जाएगा फिर। अच्छा, इसमें जैसे पानी डालेंगे ना तो ये जैसे ये कलर है इसमें तो पाउडर जैसा है ये, और इंक जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की आउटलाइन करने के लिए हमको आवश्यकता होती है, तो उसका पानी जैसा होना आवश्यक है। उसमें थोड़ा सा भी अगर पाउडर जैसा या ऐसा कुछ होता तो वो ब्लैक कलर करने में हमको प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल धूप में पकाकर और इसका पानी ही काम में लेते हैं, ब्लैक कलर का पानी हो जाता है जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में ब्लैक कलर इस्तेमाल करने का रीजन ये भी होगा कि काला रंग अगर कहीं पे भी दाग लगा दे तो वो पूरा बिगड़ जाता है, तो सब कंप्लीट करके फिर लास्ट में काला रंग लगाए, ऐसा कुछ लॉजिक होगा? हाँ, ब्लैक कलर जो है वो सारी पेंटिंग का जो कलर लगने के बाद में अपने को ब्लैक कलर से उसका आउटलाइन करना होता है, इसलिए हमको ब्लैक कलर सबसे लास्ट में करना होता है। और ये जैसे आप देखिए, ये देखिए आप, ये पेंटिंग है, जैसे इसमें सारे कलर हमने लगा दिए, अब इसको ब्लैक कलर लगाएंगे, ब्लैक कलर पहले लगा देंगे तो वो इसको कलर बाद में फिल नहीं कर सकते, फिनिशिंग नहीं होगा पहले कलर। हाँ, कलर फिल करने के बाद फिनिशिंग नहीं होगा, ब्लैक कलर काम में लेते हैं। अच्छा, और आप ये इसका कैनवास दिखा सकते हो? अगर नहीं पेंटिंग किया हुआ हो तो चलेगा, नहीं तो फिर पेंटिंग के साथ दिखाओ तो भी चलेगा।
कैनवास पर है। इसमें ये देखिए, अच्छा ये ऑलरेडी बना हुआ कैनवास है, इसके ऊपर आपने ड्राइंग कर लिया है। हाँ नहीं ये नहीं, अरे हो गया हो, ये गुटाई किया हुआ, वो पत्थर भी दे दूंगा इसमें पड़ा, उसमें पड़ा। एक बार जानने के लायक है कि हमारे जो पुराने जो आर्टिस्ट थे उनको केमिस्ट्री का कितना ज्यादा ज्ञान था, और उनको जो पेंटिंग वो जो बनाते थे उसका फिक्सिंग कितने सहज तरीके से घरेलू चीजों के इस्तेमाल करके करते थे। तो ये गुटाई का पत्थर, ये पत्थर का कुछ नाम है क्या? और क्या? नहीं ये हकीक पत्थर होता है, जो कि बहुत मजबूत पत्थर होता है, हकीक। अच्छा, और एकदम स्मूथ होना जरूरी है। हाँ ये मतलब इसको, ये तो मैं आपको पत्थर बता रहा हूँ, बाकी ये जनरली हम पत्थर एक हमारे जो मोहरा होता है गुटाई करने के लिए, क्योंकि हमारे को बड़ी बड़ी पेंटिंग गुटाई करनी होती है तो इतने से पत्थर से हम हाथ से नहीं घोड़ सकते, तो वो घोड़ते तो हाथ से, लेकिन उसके ऊपर वो तीन जो हाथ की चक्की के जो पार्ट होते हैं वो उसका वजन होने से वो उसकी गुटाई अच्छी होती है, जोर उसका सारा वो पत्थर का आता है, सारा वजन उसका आता है जिससे वो गुटाई होती है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी, जो आपको शेयर कर दूंगा पहले। जी श्योर, जी श्योर। और अभिषेक जी, अभी आप दो तीन स्केच आप थोड़ा सा प्लीज बना के दीजिए, तो हम हमको जानकारी मिले कि आप लोग ड्राइंग किस तरह से करते हो, और ये बेसिक इसका जो फेस और सब किस तरह से बनता है, और जो एक या दो पेड़ जो कॉमन दिख रहे हैं वो एक बार बता देना। जैसे अगर आदमी का थोड़ा फेस सा या... थोड़ा सा जूम करिए सर, और कम। हाँ जी अब यहाँ तक जो फेस है ये सबका कॉमन है, नाक और लिप्स वगैरह बहुत ही मतलब हाँ एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, आंखें भी। यहाँ तक हमको जो फेस है वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, हमको सेम रहता है, एक जैसा बनाना है। अगर हमको लेडीज बनाना है तो फिर यहाँ पर हमको गहने बनाकर जो ट्रेडिशनल राजस्थानी गहने हैं उसी तरह के गहने ही बनते हैं ज्यादातर, एयरिंग्स वगैरह बहुत ही मतलब फूल के डिजाइन सब वो बहुत ही कॉमन है। फिर अलग अलग आर्टिस्ट अपने अपने हिसाब से थोड़ा नयापन डालते हैं, बट मेनली यही रहता है, ये इसकी पहचान है। अब ये देखिए, यहाँ तक हमने जो लेडीज बनाई है तो मतलब पीछे वाला जो कान के यहाँ का वो साड़ी वाला वो जगह पर साड़ी बना दी, और यहाँ पर गहने बना दी। यही हमको अगर आदमी बनाना है तो पगड़ी और मूछे होंगे। हाँ यहाँ तक हमको सेम बना है, ये हमने मूछे बना दी, और ये पगड़ी भी अलग ही तरीके से बनती है, मतलब बहुत ही राजस्थान में टिपिकल स्टाइल है जी। यस
और ज्यादातर हम केले का पेड़ दिखते हैं, तो एक हाँ बार उसका केले, स्केच आप बता बना के बताइए। ये हमने मेन जो है ऊपर वाला पत्ता बना दिया, फिर हमको जितने पत्ते बनाने हैं वो दोनों तरफ पैरेलल हम बना के फिर ये ऊपर से करेंगे कलर फिल करने के बाद, ये जो इसका डिटेलिंग है वो है ना, कलर हाँ पहले हमको इसमें ग्रीन भर कलर करें। हाँ हाँ करना है, ब्लैक कलर सबसे बाद में करना है, ब्लैक कलर अच्छा से होगा ये सब। जैसे कोई और पक्षी हमको बनाना, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आपके जो ब्रशेस है वो भी एक बार दिखाना आप, जो सबसे मतलब थीन ब्रश आप यूज करते हो, जिसको लाइनिंग के लिए और फिलिंग के लिए जो बड़ा ब्रश, तो और इसका वो कहाँ मतलब कैसे क्या, उसका भी कुछ स्पेसिफिक बात है तो वो बताना हमारे दर्शक मित्रों को। ये इनके लाइनर ब्रशेस है जो कि ज्यादातर लाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे भारतीय परंपरागत चित्र शैली में लाइन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। रेखाओं से हम पूरा एक्सप्रेशन डालते हैं पेंटिंग का, तो रेखाओं का बहुत महत्व है, रेखाओं के उठा लिए ब्रशेस का भी इतना ही महत्व है। उठा ये ये आपका लाइनर डबल का ब्रश, जीरो ये जी हाँ ट्रिपल, जी हाँ अच्छा 00, 00 डबल जीरो ब्रश ट्रिपल जीरो जो है, जैसी आवश्यकता होती है वैसे हम ब्रश काम में ले सकते हैं। देखिए जैसे अच्छा। ये बर्ड है हाँ जी अभिषेक जी, अभी अपने समय की कमी के चलते हुए अभी आपके सारे सुंदर सुंदर जो पेंटिंग है, जो अभी हम आपने कोरोना के बारे में बताया, जी फिर जो और पेंटिंग बताए, तो वो हम एक के बाद एक देखेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे लिए दिया और अपनी आर्ट के बारे में इतना डिटेल में हमको पूरा जानकारी दी। और जैसे ये आर्ट जो है वो, जैसे हम जानते हैं कि आपके फैमिली की वजह से ही अभी तक उसका जो ज्यादा से ज्यादा प्रचलन हुआ, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभी हम आपके पेंटिंग्स को डिस्प्ले में दिखा रहे हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप बताइएगा। जी मैम, ये है फागू जी की जो फड़ होती है उसमें से एक सीन को लिया गया है। ऊपर हमने बनाया है अच्छा यहाँ पर, जहाँ सोडा रानी जो है वो बाग में है, और ये हाँ ये इसमें गार्डन में है जो शादी के टाइम का है इसी, और गार्डन में अपनी सहेलियों के साथ में है, और नीचे शेर का शिकार करते हुए पागु जी को बताया गया है। जब पागु जी बारात लेकर जाते हैं तब उनको, जिसको बोलते हैं कि कोई काम करने के लिए जाते हैं अपन, तो
बीच में अगर अपशकुन होता है तो इसके हिसाब से ये शेर का जो है, शेर का दिखना, सांप का दिखना, इस तरह से इनको शादी में जाते समय अपशकुन हुए थे वो अच्छा, दिखाया गया जी। अच्छा अच्छा। और तो जो हरे रंग के पोशाक में उनके पिताजी हैं, ये इनके, ये नहीं, ये इनके मित्र हैं, ये अच्छा। देवाजी हैं और ये हुक्का पीते हुए बताए हैं, क्योंकि राजस्थान में परंपरा है पहले पुराने समय में बाराती जब आते थे तो हुक्का वगैरह पीते थे, वो बताया गया। ये मैंने जो राजा हैं उनकी सवारी बताई है, तो इसके अंदर राजा जो है हाथी के ऊपर जा रहे हैं और बाकी उनकी जो पूरी सेना है वो इस तरह से बताया गया। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये केवल एक दृश्य बताया है। बहुत सुंदर पेंटिंग लग रहा है और बहुत ट्रेडिशनल भी लग रहा है। ये डोली का सीन बनाया है, ये बारात जाते हुए का डोली जा रही है और पीछे दूल्हा जो है हाथी के ऊपर जा रहे हैं और उनके सैनिक वगैरह जा रहे हैं, ऐसा होता है। जो लाल रंग की बॉर्डर, ये चित्रों की विशिष्टता है, सारे पेंटिंग की बॉर्डर लाल रंग की होती है जी, और ज्यादातर चार रंगों का इस्तेमाल होता है, पर अभी रंगों के संयोजन से थोड़े बहुत रंग का इस्तेमाल, अलग पांच कलर होते हैं इसमें, पांच रंग में। और फेस कलर होता है, येलो होता है, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक और रेड, ब्लैक सही तीन के छह कलर काम में लिए जाते हैं। ये जो है मैंने मेवाड़ का इतिहास बनाया था, उसी का एक सीन मैंने अलग से बनाया है, महारानी पद्मिनी का जौहर और साका मैंने बताया। जी जी जी, दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर जी, बहुत ही सुंदर। ये हल्दी घाटी का युद्ध के ऊपर आधारित पेंटिंग है ये जी, इसमें महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जो मान सिंह है उसके हाथी के सिर के ऊपर अपने आगे की दो पैर लगा के चढ़ गया था और महाराणा प्रताप ने भाले से वार किया तो महावत मर गया था और मान सिंह अपनी गोदी में छुप गया था, ये दिखाया। और जो हाथी है उसने महाराणा प्रताप के घोड़े के पीछे वाले पैर पर तलवार से पैर को काट दिया था जी। और पीले रंग की धरती भी, हल्दी घाटी जो पीले रंग की धरती है, वो भी पीला रंग आपने बनाया पूरा जी। ये भी बाबू जी का ही है, बाबू जी का तोरण मारते हुए जो है तोरण लगाते हुए सीन, और नीचे इनकी शादी हो रही है और बाग बताया है, रानी का बाग बताया है। बहुत सुंदर, उसमें मोर दिख रहे हैं। ये भी बाबू जी का है, तो यहाँ पर नीचे जो है बाबू जी जो शादी को, अपनी शादी को छोड़कर जो जिस युद्ध के लिए जाते हैं वो बताया गया है, नीचे वो वाला युद्ध बताया गया। अच्छा, नीचे युद्ध है जी। और ऊपर मेहराब, मेहराब बोलते हैं ना इसको, ऊपर जो शेप बने हुए हो। हाँ, ऊपर महल, ऊपर महल बनाए हैं और इसके बाद में शादी जी। अच्छा। शादी का बताया है जी जी। ये घनघोर की सवारी जो कि राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, घनघोर की सवारी राजा महाराजाओं के जमाने से निकलती आ रही है और अभी भी बड़े बड़े शहरों में, जयपुर, उदयपुर और हर स्टेट के अंदर, हर जो जहां अभी भी रजवाड़े हैं वहां पर घनघोर की सवारी निकलती है। अच्छा अभिषेक जी, अगर हम में से कोई भी आपके पेंटिंग्स लेना चाहे तो हम आपके साथ संपर्क किस तरह से कर सकते हैं जी? मैम आप मेरे नंबर भी, वैसे अगर कोई मेरे को कांटेक्ट करे तो फोन नंबर भी बोले मैं जी, आपके पास है नंबर, और उसके अलावा फेसबुक पर भी हमारे घर में इस तरह के पेंटिंग अगर रखे जाए तो कितनी उसकी घर की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और बहुत सुंदर और चटकीले प्यारे से रंग है तो बहुत सुंदर लगेंगे।
अगर आप इसका इसको लेना चाहें तो आपके आपके संपर्क में अभिषेक जी उनके नंबर दे रहे हैं, तो वो और उनके फेसबुक पेज पे भी अभिषेक जी जोशी करके उनका फेसबुक पेज है, उससे भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सुंदर से मास्क भी बना के रखे हुए हैं, तो छोटे से छोटा वो भी चीज हम उनसे ले सकते हैं। ये राधा कृष्ण की होली है, होली है। बहुत खूबसूरत जी। तो अभिषेक जी आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप हमारे सामने उपस्थित हुए, हमें इतने बड़े कलाकार के साथ रूबरू होने का मौका मिला, और ये भारतीय इतिहास के बारे में और ये सब परंपराओं के बारे में और रंगों के बारे में इतनी सब जानकारी हमें मिली। और जैसे हमारे कलाकार मित्र हैं तो उनको भी ये सब रंगों के बारे में जान के बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा होगा, और ये जो कैनवास आप खुद बनाते ये सब भी बहुत ही मतलब जानकारी का विषय है और कितनी मेहनत का विषय वो भी पता चलता है। और सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि जो चीजें इस्तेमाल होती है वो वातावरण के लिए कभी भी पोल्यूशन नहीं करती। हमारे जो रंग परंपरागत चित्र शैली में जो रंग या जो कैनवास जो सभी इस्तेमाल होता है वो कभी भी वातावरण पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। हमारी पूरी जो संस्कृति है वो प्रकृति के साथ बहुत ही सम्मिलित है, और ये प्रकृति को की रक्षा करना भी हमारा इतना ही बड़ा ये है मोटिव है, अच्छे से अच्छे रंग इस्तेमाल करके करने का। ये अभिषेक जी क्या है ये, मुझे कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। मैम जो मेवाड़ का इतिहास पेंटिंग है उसका एक पार्ट है इसमें। अच्छा, अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था वो वाला सीन ये है, और ऊपर जौहर हो रहा है और नीचे जो है अकबर ने किले के दरवाजे तोड़कर और किले के अंदर जो घुस जाते हैं वो बताया। इसमें हर एक जगह जो किले की हर एक जगह उनका किन किन से युद्ध होता वो सारी चीजें इसमें बताई गई। ये चित्र अगर आप देखना चाहे तो उदयपुर के सिटी पैलेस में कुछ ही समय में लगने वाला है, तो आप जाके रूबरू उसका दर्शन कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये मेरे फेसबुक पर भी है ये चित्र। अगर आप इनके चित्र लेना चाहे तो मुकोटे की ओर से भी आप मुकोटे से संपर्क करके भी आप ले सकते हैं, मुकोटे ग्रुप से, तो हम भी उनसे जुड़े रहेंगे। तो आप अगर नहीं उनसे संपर्क कर सके तो हमारे ग्रुप से संपर्क करिए। और अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत समय हमें दिया और बहुत सी जानकारी दी, आपके लिए मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए। और आप ऐसे ही हमारे देश का नाम उज्ज्वल करते रहे और हमारी संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए, यही हमारी सबकी शुभकामना है। नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।